आपसे एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से बसपा की रणनीति को आप बड़ी बारीकी से समझते हैं, आप पार्टी के अंदर भी रहे, एक बड़े पद पर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है और क्या लगता है आपको कि बसपा के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए ताकि 2024 के अंदर बहन जी एक सशक्त शासन को प्राप्त कर सकें और जो बहुजन मूवमेंट के लोग बहन जी को प्रेम करते हैं, बहन जी अपनी बहन को वहां पर देख पाए जहां पे वे देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर समाज की हम बात की कह रहे हैं, और आज के हिसाब से जो दौर चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिक्स का, भारत की का, यहाँ पर मूवमेंट के साथ साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, जी इसके लिए भी मुझे लगता है कि हमको पार्टी की तरफ से कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए हमारी पार्टी की तरफ से, जो हर इवेंट पर पहुंचे, हर इंसिडेंट पर पहुंचे, और जो है हर तरह का एक्टिविटी दिखती रहे उस व्यक्ति की। तो ये जी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। अगर माननीय बहन जी को जो है अपनी तैयार अपनी प्लानिंग बनाने के लिए उनको वो व्यस्त रहती हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई एक ऐसा चेहरा, कोई ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसके नाम पर जो है समाज, जैसे पता चले तो वो पोस्ट डाल देता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ जाती है। हम तो ये कहते हैं कि माननीय बहन जी जो है, मान लो आकाश आनंद जी जो है, जो बहन जी के भतीजे हैं, अगर मान लीजिए उनको भी बहन जी जो है जिम्मेदारी दे दें कि आपको हर इवेंट पे पहुंचना है, आपको जगह जगह आपको सभाएं करनी है, लोगों के साथ गेट टुगेदर रहना है, आपको इनके प्रोग्राम्स को अटेंड करना है, तो उस पर भी समाज करने के लिए तैयार है। मैं क्योंकि मैं कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि अब आकाश भाई को, बहन जी को जो है फील्ड में उतार देना चाहिए। तो ऐसा कोई बंदा हो जिसको जैसी पोस्ट पड़े तो समझ में आया कि भाई आज आकाश भाई वहां पे आ रहे हैं, या फलाना जो भी बहन जी ने बनाया है वो वहां पे आ रहा है, तो हजारों की संख्या में लोग उधर के लिए कूच कर जाए। तो जब तक ये एक्टिविटी नहीं होंगी, तो तब तक जो है जो समाज में जो निराशा बैठ गई है, कार्यकर्ता में जो निराशा व्याप्त हो गई है, ये आशा में तब्दील होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये माननीय बहन जी हो सकता है कि अब इस पर काम करेंगे, क्योंकि अब टोटल फोकस जो है बहन जी का वो जो है लोकसभा के चुनाव पर है। तो इस प्रकार के कुछ तैयारी करने की जरूरत है, जो बहन जी के जो काम है इनको जो है कैडर के माध्यम से, या प्रोजेक्टर के माध्यम से, या पंपलेट के माध्यम से, या गांव चलो अभियान के माध्यम से हमको दिखाना होगा। जगह जगह गांव गांव में खड़े होकर के, कॉमन प्लेस पे जहाँ पे सभी समाज के लोग गुजरते हों, वहां पर अपनी बात कहनी होगी। जो हमारे बसपा का जो कार्यकर्ता है उसको कैडराइज बनाना पड़ेगा। अगर वो कैडराइज नहीं होगा तो वो सभी समाज के, सभी बिरादरी के लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, वो फंस जाएगा, तो फिर वो मीटिंग करने से डरेगा। मैं जानता हूँ आदमी कौन डरता है मीटिंग करने से, जिसके पास में कन्वेंसिंग कैपेसिटी कम होती है। अगर आपके पास कन्वेंसिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है, आपको लगता है कि हम हर सवालों के जवाब दे दूंगा, तो आप 100% आप समाज में जाकर के अपनी बात करेंगे। तो जो हमारा जो कार्यकर्ता है उसको कैडराइज करने की जरूरत है, उसको डाटा उसके पास भी होना चाहिए, उसके पास मटेरियल होना चाहिए, करंट के सिनेरियो पे उसके पास अध्ययन होना चाहिए, अपने हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मिशन की भी जानकारी हो, महापुरुष की भी हो, पॉलिटिक्स की भी हो, हर एक तरीके की जानकारी होनी चाहिए। जैसे परचून की दुकान पर कोई व्यक्ति कुछ भी आकर के मांग लेता है, ऐसे ही नेता से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है, वो उससे उम्मीद करता है। तो इसके लिए हमको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी तैयार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बदलाव करने की या एडिशन करने की हमारी पार्टी को जरूरत है, ऐसा समाज की तरफ से सवाल और ऐसा रुझान आ रहा है। जयप्रकाश जी, लगातार आप बसपा की बात कर रहे हैं, और लेकिन बसपा की अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, या असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, जो लोग कहीं वजूद नहीं रखते थे, वह अपना 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पर मजबूत सीटें आई हैं जो बसपा की भी नहीं आई है। इस तरीके से क्या देखते हैं कि लगातार जो छोटी पार्टियां हैं वह लगातार अपना कद बहुत ऊंचा करती जा रही हैं, और बड़ी पार्टियों के जो है सिर्फ वो अपनी वोट परसेंटेज में अपने आप को काउंट कर रहे हैं, लेकिन 2024 को किस नजर से देखते हैं, जब वहां पे क्या लगता है आपको कि जो टिकट के दावेदार हैं वह भी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर आपने इन पार्टियों के बारे में बताया, इनके ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आपने इनके बारे में बताया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही आप महसूस कर सकते हैं जैसे कभी बीएसपी की शुरुआत हुई थी। तो जी जब बीएसपी की शुरुआत हुई थी, जब किसी समाज के अंदर कोई नेता काम करना शुरू करता है, तो उसका समाज उसको बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस देता है। तो ऐसे ही बसपा को भी एक्सेप्टेंस मिला था, तो उस समय बीजेपी कांग्रेस ये कहती थी कि इतनी जल्दी कैसे हाइप कर रही है बसपा, जी इतनी जल्दी कांशीराम कैसे इतना ऊपर जा रहे हैं, इतनी जल्दी बहन जी कैसे समाज को जोड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में से सभी लोग गुजरते हैं जब भी कोई काम करता है कोई नया नया व्यक्ति, उसी से, ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे
ओवैसी जी हों, तो इन्होंने आकर के मैसेज दिया उत्तर प्रदेश में कि भाई शहर के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम समाज शहर में सबसे ज्यादा इकट्ठा रहता है, जी किसी भी शहर की हम बात करें, क्योंकि वो आसपास के एरिया में से आकर के अपने काम धंधे की तलाश में आकर के वो शहर में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पे ओवीसी जी ने अपना मैसेज दिया कि भाई आपकी संख्या तो इतनी बड़ी है कि आप अपने दम पे अपना मेयर जिता सकते हो, आप अपने दम पे अपना पर्स जिता सकते हो। तो ये जो मैसेज दिया मुस्लिम समाज में, तो इसकी वजह से समाज में फूट पड़ गई। तो एक हिस्सा कैंडिडेट के नाम पर बसपा के साथ में आया, एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास बना रहा, एक हिस्सा ओवैसी के पास में बना रहा। तो इस प्रकार से मुस्लिम समाज में भी फूट पड़ गई। तो अगर देखा जाए तो ये जो है इस तरह से बढ़ जाते हैं, लेकिन इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई प्लस वोट नहीं है। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसके पास प्लस वोट है, सपा के पास में भी प्लस वोट नहीं है। तो मुस्लिम समाज को इस बात को समझना होगा कि बसपा के पास जो प्लस वोट है वहां पे मुसलमान को साथ जोड़ करके हम लोग सीटों को जीत सकते हैं, हम ओवैसी की पार्टी से अकेले पड़ जाएंगे क्योंकि ओवैसी के पास में कोई प्लस वोट नहीं है। हम सपा के पास में भी वोट परसेंटेज कम है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो और यादव समाज की संख्या ना के बराबर है, तो यहाँ से तो हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी। और जो है रही बात आपने तीसरी बात इसमें जोड़ी, क्लॉज नंबर 3 में आपने जोड़ा कि क्या लोकसभा के चुनाव के लिए बसपा के कैंडिडेट्स तो आएंगे, ऐसा क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वोट बड़ा है उसका अध्ययन करते करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अब जल्दी ही बसपा की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे डिक्लेयर होंगे वहां पर चुनावी बिगुल बज जाएगा और हम लोग भी उसी प्रकार से उसी क्षेत्र में जाकर के गांव चलो अभियान के तहत हम लोग काम करेंगे। तो बसपा का फ्यूचर मुझे लगता है अब काफी अच्छा होने वाला है, और 2024 में हम लोग अगर गठबंधन बहन जी करती हैं, पर नहीं करती हैं ये बहन जी का जुडिक्शन का मामला है, अगर नहीं भी करती हैं, अगर हमने 10 सीट को हमने बढ़ा करके 15 कर दिया, तो समझ लीजिए वो हमारे 50 की बराबर होगी। तो कहीं ना जी कहीं उसको लेकर के फिर हम लोग 27 की तैयारी कर सकते हैं। तो जी इसलिए कैंडिडेट भी डिक्लेयर होंगे, और वो मैं जो नई नई पार्टी जो हाइप कर रही है उसका भी मैंने आपको कॉज बता दिया है। तो जी इस प्रकार से मैंने आपके इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया सर। जी सपा के गठबंधन को किस नजर से देखते हैं? जो बहुत ताकत से गठबंधन दिखाया गया था, लेकिन उस तरीके से उनके जो परिणाम है वह नहीं आए, क्या कहेंगे जबकर जी? देखिए गठबंधन तो एक तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जी सब जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हवा बनाई थी और उस गठबंधन में जो सबसे बड़ा चेहरा था, एक ही चेहरा था सबसे बड़ा देखा जाए तो वो जयंत थे, वो जयंत चौधरी थे, और तीसरे नंबर पर उन्होंने चंद्रशेखर भाई को उन्होंने जोड़ा कि भाई हो सकता है बसपा का वोट इस तरफ से इनके माध्यम से आ जाए। तो जयंत चौधरी जो है कहीं ना कहीं उनके टिकट के बंटवारे को लेकर के खुश नहीं थे, हो सकता है उनको हिस्सा ना मिल पाया हो। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद ये एक सीट जयंत चौधरी को देंगे और एक सीट जो है ये चंद्रशेखर भाई को देंगे और 15 सीट पर ये खुद चाह लड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो इसका मतलब इनके अंदर जो है अभी खटास है, और इस खटास का परिणाम भुगत लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर के कहने से बसपा का वोट कोर वोट ट्रांसफर हो जाएगा सपा के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को जो है क्या नाम इनका अखिलेश भाई भी समझ गए हैं कि चंद्रशेखर के माध्यम से वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो फिर उनको लोकसभा के लिए भी सीट मिलने की चांस ना के बराबर है। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन फेल रहा, यहाँ पे जयंत चौधरी आउट रहे, और जो भाई जो उनके साथ में जो घूमे थे चंद्रशेखर भाई, उससे वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो ये गठबंधन टोटली फेल रहा, और 2024 में इसका कोई मुझे असर भी दिखाई नहीं दे रहा है, टिकट के बंटवारे को लेकर के भी, और किसी से गठबंधन था नहीं उनके साथ में। जी सर, जी क्या लगता है जयप्रकाश जी कि अभी बसपा को तीसरे मोर्चे की तैयारी कर लेनी चाहिए या गठबंधन के साथ आना चाहिए? क्योंकि माननीय काशीराम साहब भी गठबंधन करने में सबसे आगे रहते थे, क्या कहेंगे आप? किस नजर से देखते हैं और क्या करना देखिए चाहिए बहन प्रवर्तन? जी बार बार कहती हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जी का ये आखिरी डिसीजन है कि गठबंधन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम गठबंधन तो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, जी हमारे स्टेटस का ध्यान रखा जाए।
ऐसा नहीं है कि हम लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हम आप में विलय टाइप का नहीं करेंगे, हम आपके एक सीट की दो सीट की डिमांड नहीं करेंगे, हम गठबंधन करेंगे तो हमारी कुछ शर्तें होनी चाहिए। तो बहन जी अपनी ताकत दिखा रही हैं और मुझे उम्मीद है इस ताकत के आधार पर बंटवारा होगा। आज देखो, आज कोई भी गठबंधन की बात कर रहा हो तीसरे मोर्चे की, तो कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि जब तक उत्तर प्रदेश से बहन मायावती जी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, अहम जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तब तक तीसरे मोर्चे के होने का कोई बनने का कोई औचित्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहन जी अपना लोहा मनवा रही हैं, अपनी बात मनवा रही हैं। तो गठबंधन नहीं होगा इस बात को नहीं कह सक कहा जा सकता है। बहन जी कुछ भी कर सकती हैं, मूवमेंट के हित में, पार्टी हित में, देश हित में बहन जी कोई भी फैसला ले सकती हैं। और बहन जी जो भी फैसला लेंगी हम उसको हम लोग मानेंगे, क्योंकि बहन जी हमारी नेता हैं, महापुरुष हैं। जयप्रकाश जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। ओपी राजभर एक अच्छा चेहरा है, लेकिन ओपी राजभर ने भी कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत पार्टी है, बल्कि देश के अंदर एक मजबूत पार्टी है जो पीएम की दावेदार है। एक बड़ा अनुभव है, ओपी राजभर का स्टेटमेंट था, और उन्होंने कहा था कि तमाम पार्टियों को अपना नेता मान लेना चाहिए, वो तो आप एक प्रधानमंत्री अपना बदल पाएंगे। किस नजर से देखते हैं और क्या कारण है कि तमाम लोग तो आना चाहते हैं, महज जी को पसंद भी करते हैं, लेकिन पहल कौन करे इसकी शुरुआत कोई नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस बयान पे? देखिए मेरा तो ये मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी जो सीएम बिहार जो प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, साउथ में भी जा रहे हैं और नॉर्थ में भी जा रहे हैं, इंडिया के काफी स्टेटों के अंदर सभी नेताओं से मिल रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि शायद उन्होंने बहन जी से बात ना की हो। तो मुझे लगता है कि शायद फोन पर बहन जी से उनकी बात हुई होंगी। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने जो है इस प्रकार से सोचा हो कि भाई पहले आप औरों के साथ में अपनी बातचीत कर लीजिए, अगर वो और चीज और सब लोगों के बात में आप सब एक साथ मिलकर के जो अपना डिसीजन लेंगे उसके बाद आप अपनी बात सभी की तरफ से आप एक व्यक्ति मेरे सामने अपनी बात रखिए, और बात रखने के बाद में फिर मैं जो है अपने पार्टी मूवमेंट और समाज और देश के हित में देखते हुए फिर मैं निर्णय आपके बीच में दूंगी, अपना डिसीजन दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओम प्रकाश जी जिस बोली को बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात अंदर अंदर निहित है कि शायद बहन जी का रुख उधर कहीं उनको दिख रहा हो या उनकी बहन जी से बातचीत हो रही हो, क्योंकि मैंने कई बार मैंने उनकी वीडियो में सुना है वो कहते हैं कि मेरी जो है बहन जी से बात हुई है। तो मैंने सुना है कई नेताओं को कि फोन पे इस प्रकार से, तो मुझे लगता है कि बहन जी समाज हित में, देश हित में, और चाहे ओम प्रकाश जी की जो बात है उससे हम लोग भी सहमत हैं कि जब तक बहन जी को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा चेहरा नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग राजनीति के साथ साथ हम मिशन का काम भी कर रहे हैं, मिशन के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट का ये मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट के आधार पर रेस्पेक्ट जो है, क्योंकि हमारे समाज को बहुत सालों से रेस्पेक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन बहन जी के माध्यम से जो सम्मान मिलता है, जिस पर बहन जी के इस इसी इसी स्टाइल इसी शैली की वजह से समाज उन पर गर्व करता है, तो बहन जी सम्मान के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करती हैं, इसलिए उसी उसी लिए बहन जी को समाज लाइक करता है। तो हमें उम्मीद है कि बहन जी इस पर भी कुछ काम कर रही होंगी, जो देश हित में, समाज हित में, मूवमेंट और पार्टी हित में होगा उस पर बहन जी निर्णय लेंगी, हमको भरोसा है। जी, यूं तो अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के अंदर बहन जी ने जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को आज तक कोई भी पार्टी कॉपी भी नहीं कर पाई है पूरे देश के अंदर। और कहीं ना कहीं आपकी तमाम बातों से, हर एक बातों के अंदर आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्योंकि बहन जी ऐसा कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से लोगों का इस वक्त थोड़ा सा मनोबल टूटा है, तो क्या 2024 के अंदर बहन जी कुछ बड़ा रिजल्ट या बड़ा कुछ ऐसा घोषित कर सकती हैं जिसकी वजह से एक बड़ा बदलाव भी नजर आए, और 2024 के अंदर बसपा जो डाउन होती जा रही है वह अपग्रेड भी दिखाई दे? क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बड़े बड़े जो आप लोग जो होते हैं पत्रकार साथी जो होते हैं वो कहते भी हैं, मैंने सुना है आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि बहन जी क्या करेंगी इस बात का, एक हाथ से बहन जी क्या करेंगी इस बात का पता दूसरे हाथ को नहीं होता है बहन जी का। तो जी इसलिए बहन जी कुछ भी कर सकती हैं, मुझे उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले बहन जी जरूर कोई बदलाव करेंगी, और उस बदलाव में उसमें हित होगा सभी लोगों का, और मुझे लगता है बहन जी पे हमें उम्मीद है,
हमें आशा है तो बहन जी कुछ अच्छा उसमें करेंगी। और रही बात मनोबल की, इस चुनाव से मनोबल को देखा जाए तो ग्राफ हमारे जो है वोटर का मनोबल बढ़ा है। बेशक हम सीट नहीं हार पाए, हम नहीं जीत पाए हों, क्योंकि हमको ये पता है कि सपा हमसे ऊपर नहीं गई है। जितने उसके पास में विधायक थे, आपने देखा मेरठ के अंदर और वहां पर जो है सहारनपुर के अंदर, जो उनके लोकल लीडर थे वो उनके साथ नहीं थे, तो कहीं जी उनमें फूट है, तो वो हमसे ऊपर नहीं गई है। तो अभी भी समाज में ये मैसेज है कि भाजपा के सामने कोई विकल्प वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर और संगठन के आधार पर कोई है, तो वो बीएसपी है। जी कहते हैं राजनीति अगर समझ में आ जाए तो वो राजनीति नहीं होती है। 2024 के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वैसे तो मैं आपसे एक और चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा, बहन जी की एक आवाज पे देश के लोग मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या कारण है पुराने लीडर्स को बहन जी आज भी स्वागत नहीं कर रही हैं? अगर एक आवाज बहन जी दे दें तो इस देश का तमाम दलित लीडर या तमाम दलित लोग, जितने भी बहुजन समाज की बात करेंगे, एक दलितों की बात नहीं करेंगे, मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा कि इस तरीके से बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा उतारा है और इमरान मसूद को भी उतारा है। इस तरीके के तमाम लोग आज बहन जी की पार्टी में आना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो बहन जी इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करती हैं? क्या कहेंगे? देखो बहन जी ने कई बार कहा है, मैंने अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैंने जाना है कि जो पुराने लोग हैं उनको बहन जी वापसी कर रही हैं। जी और मैंने कई बार देखा है कि जो जो मंडल प्रभारी हैं, जो मुख्य जोन प्रभारी हैं, जो बहन जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं मंडल वाइज, उनको बहन जी ने जिम्मेदारी दी है कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको आप लोग लेकर के आओ। तो बहन जी ने कई बार फरमान जारी किए हैं, लेकिन जो ये प्रभारी लोग जो होते हैं बहन जी के यही आंख और कान होते हैं, इन्हीं के माध्यम से कोई नेता सुनता है और देखता है तो यही फिर रिपोर्ट जाकर के देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने तो कई बार कहा है कि आप पुराने नेताओं को लेकर के आए, कुछों की वापसी भी हुई है जगह जगह पर हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहन जी अब वापसी की जो है इस कमान को या तो किसी और के हाथ में सौंपेंगी या फिर इसको खुद देखेंगी। तो मुझे लगता है 2024 की चुनाव की तैयारी के लिए बहन जी इस काम को बढ़ाएंगी, और बहन जी ने कई बार कहा है कि पुराने लोगों को लेकर के आओ, तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहन जी इस काम को फिर से शुरू करेंगी। धन्यवाद डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो आपने इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।